दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोरोना में लुढ़की अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर आने में वक्त लगने का अंदेशा जाहिर किया है। मूडीज के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते क्रेडिट में जो गिरावट आई है उससे तो अर्थव्यवस्थाएं जल्द उबर जाएंगी, लेकिन दुनिया भर की ज्यादातर अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले के लेवल पर अगले साल 2022 से पहले नहीं पहुंच पाएंगी। पिछले साल 2020 में 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना को महामारी करार दिया था। इसके बाद ही कोरोना ने दुनिया भर में जमकर कहर बरपाया। इसके चलते दुनिया भर की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई और बॉन्ड फिल्टर्स के चलते क्रेडिट में गिरावट आई। इकॉनमी 2022 तक एक बार पुरानी पटरी पर आ सकती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ओवरऑल जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली और उसके बाद सभी जगह की सरकारों ने समय समय पर इकॉनमी के रिफॉर्म करने की कोशिश की, उनमें भारत आगे बढ़ चढ़ कर रहा, जिसने कि इकॉनमिक रिफॉर्म को बहुत तेजी से लागू किया और इस वजह से कोरोना महामारी होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा सा उसका कम इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इकॉनमी को पटरी पर आना है, पुराने स्तर पर लाना है, तो उसके लिए अभी 2022 तक की उम्मीद की जा रही कि तब तक पटरी पर वापस से इकॉनमी आ सकती है। अब मूडीज ने अनुमान जाहिर किया है कि COVID-19 के चलते दुनिया भर में क्रेडिट से जुड़ी जो चुनौतियां आई उनमें गिरावट अब कुछ समय और रहेगी, लेकिन मूडीज का ये भी अनुमान है कि वैश्विक रिकवरी की रफ्तार धीमी रहेगी और माइक्रो इकोनॉमी आउटलुक को लेकर अनिश्चितता सामान्य से ज्यादा बनी रहेगी। हालांकि सबसे बड़ी चिंता मूडीज ने ये जाहिर की है कि म्यूटेशंस के चलते कोरोना वायरस जल्द विदा नहीं होगा और अब सभी को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना पूरी तरह से गायब नहीं होगा। मूडीज के मुताबिक महामारी की रफ्तार धीमी होने के बाद पॉलिसी एक्शंस इकोनॉमी एक्टिविस्ट और फाइनेंशियल मार्केट्स को मदद करेंगे। पॉलिसी मेकर्स लंबे समय तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते रहेंगे और कुछ मामलों में ये आने वाले कई वर्षों तक मदद करते रहेंगे। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज होने पर इस साल 2021 में महामारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे सरकारों को लॉकडाउन जैसे कड़े कदमों में रियायत करने का मौका मिलेगा। हालांकि जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी रहेगी वहीं पर कोरोना संक्रमण से जुड़ी चिंताएं बनी रहेंगी। जितनी जल्दी हमने यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन्स को आते हुए मार्केट में देखा और लोगों ने उस पर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, तो उसका भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा और जितनी जल्दी वैक्सीन सभी को लगेगी उतनी जल्दी कोरोना यहाँ से पूरी तरह से भागेगा। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि अब हमें एक आदत डालनी पड़ेगी कि क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी या कोई और महामारी भी हमेशा इस तरीके के जो महामारी होती है उसका इम्पैक्ट इकॉनमी में होता रहता है, तो अभी तो फिलहाल ये आदत बनानी पड़ेगी कि कोरोना के साथ ही हमें चलना है। मूडीज का कहना है कि कोरोना वायरस में नए म्यूटेशन से ज्यादा संक्रामक होने के चलते हालात सामान्य होने को लेकर अभी आशंका बनी हुई है। ऐसे में रेटिंग एजेंसी का ये मानना है कि अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा और कोरोना संक्रमण के मामलों को कम करने के लिए कोशिश की जा सकती है।